मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के रजपन बाजार का है, जहां पिछले काफी समय से पशुओं की डेयरी संचालित हो रही थी। हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश पर मेरठ से डेयरियां हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज भी मेरठ में कैंट इलाके से डेयरी हटाई जानी थी। जैसे ही टीम डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंची, तभी डेयरी संचालकों ने मौके पर कैंट बोर्ड की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई कर्मचारी घायल हो गए। वहीं मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई, जिसके बाद अब कार्रवाई का दौर जारी है। भाजपा के जिला महामंत्री व पूर्व सांसद के प्रतिनिधि डॉक्टर विजय जौहरी ने उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर शाहजहांपुर डिपो के एआरएम स्टेशन इंचार्ज पर वित्तीय अनियमितताओं पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। डॉक्टर विजय जौहरी ने शासन व प्रबंध निदेशक परिवहन विभाग को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि परिवहन निगम के शाहजहांपुर डिपो के एआरएम स्टेशन इंचार्ज सरकार के आदेशों को दरकिनार कर वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। बीते 15 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर कई परिचालकों ने निर्गत टिकटों मार्ग वापस आने पर महिला निःशुल्क यात्री अंकित करते हुए हजारों रुपये का घोटाला किया है, जिसको एआरएम व स्टेशन इंचार्ज ने अपना हित साधते हुए बंटर बांट कर लिया है। हमारे कार्यकर्ता द्वारा जनता द्वारा मेरे संज्ञान में आया था, वो रक्षाबंधन पे हमारी सरकार में महिलाओं के लिए एक सुविधा दी थी, तो उसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, जो हमें लगता है कि हमारी सरकार की उज्ज्वल छवि को छवि खराब करने का एक षड्यंत्र प्रयास किया जा रहा है। और हम सब जो है एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक सरकार का आईना है, और इस आईने के बीच में जो भी शिकायत आती है, हम लोगों को संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, जिससे कि एक हमारी सरकार की जो अच्छी छवि है, जो अच्छी सोच है, वो बरकरार बनी रहे और श्रेयन कार्यों का पर्दाफाश हो सके। क्या मामला था और क्या भ्रष्टाचार था? भ्रष्टाचार जो रक्षाबंधन पे हमारी महिलाओं के लिए किया था, निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई थी, उसमें उनको टिकट के लिए अनियमितताएं का पैसे उनसे ले लिए गए और उसमें भ्रष्टाचार उन्होंने करने का एक वित्तीय अनियमितताओं का प्रयास किया। इस मामले में आपने कहीं शिकायत की? बिल्कुल शिकायत की, मैंने संबंधित अधिकारी की शिकायत की, संबंधित मंत्री की शिकायत की, मैंने अपने सरकार को शिकायत की। ऐसा स्थानीय रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा हमारी लोकप्रिय सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में जानकारी वहां के विभागीय लोगों के द्वारा प्राप्त हुई कि जो टिकट बनाए गए थे उनका पैसा पब्लिक से ले लिया गया था, उसके बाद वो पैसा यहां ना तो जमा किया गया, उसके बाद उसको घोटाला कर लिया गया एआरएम द्वारा और डिपो इंचार्ज द्वारा मिलकर, और उसमें जो दो कंडक्टर शामिल थे उसके बस नंबर भी प्राप्त हुए हैं, जो माननीय हमारे जिला महामंत्री जौहरी जी हैं उनके द्वारा परिवहन मंत्री जी को भेज दिया गया, वित्तीय घोटाला यहाँ किया गया है, ये संज्ञान में आया है। इसमें कार्रवाई कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कार्रवाई होनी भी चाहिए। प्लस रोडवेज में और भी तमाम अव्यवस्थाएं हैं, इसके संबंध में भी संज्ञान में आता है, हम लोग आवाज उठाते हैं और हमारा प्रयास है कि उसमें सुधार हो, आम जनता को उसकी सुविधा मिले और सरकार में अच्छा आम जनता में सरकार का अच्छा मैसेज जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर किसी प्रकार की ये लोग करते हैं, हम लोग कार्रवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। किसी प्रकार का आम जनता का शोषण या इस तरीके से भ्रष्टाचार जो हो रहा है उनको बर्दाश्त नहीं किया। क्या आपने इस संबंध में किसी से शिकायत की है? कोई पूर्व में भी व्यवस्था के लिए पूर्व में भी माननीय परिवहन मंत्री सुरेंद्र सिंह जी थे, उनको भी पत्र दिए थे और व्यवस्था में सुधार हुआ, सफाई संबंधित था और भी चीजें थी, और इस संबंध में भी डॉक्टर जौहरी साहब ने परिवहन मंत्री जी को लिखित पत्र भेजा है। और यहाँ पर असल में क्या है कि एक दो कर्मचारी ऐसे हैं जो 20-20 साल से टिके हुए हैं और जो पूरी मनमानी कर रहे हैं, और कंडक्टर ड्राइवरों का जो है वो आर्थिक शोषण कर रहे हैं, गाड़ी अलाटमेंट के नाम पर और रूट के नाम पर, प्लस मशीन आदि जो चीजें हैं, तमाम चीजें हैं जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उसमें, और इस संबंध में हम लोगों ने जो कदम उठाया है इसमें कार्रवाई करा के किसी प्रकार का शोषण ना हो ये प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्राथमिक विद्यालय रामपुर नंबर 1 में दलित छात्रों के साथ मिड डे मील में भेदभाव के मामले में विद्यालय पहुंचे बसपा पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बलिया द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मीडिया के सामने ही जिलाधिकारी बलिया ने बसपा के नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए स्कूल से बाहर चले गए और साथ ही बसपा नेताओं के हैसियत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसे सफेद पोश हैं जो 25 लाख की गाड़ी से आते हैं,
साथ ही बसपा नेताओं की उनके जूते और घड़ी की कीमत तक पूछ डाली। पूरे भारत में भीड़तंत्र यानी मॉब लिंचिंग का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार भीड़तंत्र किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। भले ही प्रशासन लाख कोशिश कर ले लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी भीड़तंत्र रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों का है, जहां मजोला क्षेत्र में महिला की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उस पर दुकान से कपड़ा चुराने का आरोप था, और दूसरी तरफ देहात क्षेत्र के कुंदरकी में दादी अपनी पोती को दुकान से कुछ सामान दिलाने ही जा रही थी कि बच्चे रोने लगे। उसी बीच एक युवक ने बूढ़ी महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगा दिया और भीड़तंत्र ने बूढ़ी महिला की पिटाई कर डाली। वहीं पीड़ित महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। कानपुर के कल्याणपुर में अस्थायी बाजार में लगी भीषण आग से एक दर्जन से अधिक दुकानें आग की चपेट में आ गई। वहीं मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां न आने से लोग खुद ही बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे।